हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 8th लेक्चर ऑफ क्लास 9th इन हिंदी मीडियम। मैं प्रदीप कुमार भास्कर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ हिंदी मीडियम में। तो देखिए, पिछले क्लास कक्षा में पढ़ा था गुणा का योग का प्रसार, जिसमें ए गुणे बी प्लस सी था, जो ए गुणे बी प्लस ए प्लस ए गुणे सी हो गया था। इसी प्रकार बी प्लस सी गुणे ए, यानी ए पहले था, यहाँ ए बाद में है, इसका भी गुणा करेंगे तो पहले ए का गुणा बी में होगा, फिर ए का गुणा सी में हो जाएगा। यह भी प्रसार का रूप कहलाता है। तो बी गुणे ए प्लस गुणे ए प्लस सी गुणे ए। तो वास्तविक रेखा में के थोड़ा नोट देखिए, वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष एक वास्तविक संख्या तथा प्रत्येक वास्तविक संख्या के सापेक्ष वास्तविक रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। यानी किसी वास्तविक संख्या पर रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होगा जो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी दो वास्तविक संख्याओं के बीच परिमेय और अपरिमेय संख्या का अनंत होती है। यानी दो वास्तविक संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, संख्या रेखा का निरूपण देखिए। पहले मान लीजिए 8/7 और -8/7 को संख्या रेखा पे अगर दर्शाना है तो क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचते हैं जिसमें 0 यहाँ पे है, दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 इधर ले गए, और माइनस वाले संख्या -1 -2 -3 -4 इस तरह से क्रम में बाएं तरफ ले जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, 0 अगर यहाँ है तो 8 कहाँ हो जाएगा, यह जो है 8 का प्रदर्शन है, और -8 जितने खाने दाहिने तरफ 8 रहेगा उतने खाने बाएं तरफ -8 को प्रदर्शित करेगा। तो यह जो है क्या कहलाएगा, संख्या रेखा। अब इसमें इन्होंने कहा कि 8/7 को प्रदर्शित करना है। सबसे पहले क्या करना है, 8/7 को प्रदर्शित करना है। तो पुनः संख्या रेखा को 0 से -8, क्योंकि 0 से -8 और 0 से 8 को 7 भागों में विभाजित कर देते हैं, जिसको a1 a2 a3 a4 a5 और a6 मिलेगा। तो देखिए, 0 से 8 जो है उसको हमने क्या किया, 8 भागों में विभाजित कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग, ठीक है, हर में 7 है तो हमने 7 भाग प्रदर्शित कर लिया। इसी प्रकार इसको भी हमने यहाँ पे a1 a2 a3 a4 a5 a6, यानी 7 भागों में इसको भी बांट लिया। यह 0 से -8, 0 से 8 को हमने प्रदर्शित कर लिया। तो देखिए, अब जो है जो कहलाएगा -8/7, यह क्या हो जाएगा, -8/7 का प्रदर्शन हो जाएगा ये, ठीक, और 8/7 का प्रदर्शन हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्रत्येक खाना इसमें 8/7 के बराबर हो जाएगा। जब 7 खाने तक पहुंचेंगे तो पूरे पूरे 0 से 8 तक का क्रम हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक खंड जो 0 से a1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक, a1 से a2 है, यहाँ से यहाँ तक, a2 से a3 है, इस तरफ, दाहिनी ओर जितना भी रहेगा प्रत्येक खंड 8/7 के बराबर होगा, और बाएं तरफ प्रत्येक खंड -8/7 के बराबर होगा। तो इसी क्रम में आप जो है कुछ संख्या रेखा पे दर्शाइएगा, जिसमें -5/6/3, -6/11, 7/9, 13/5 को दर्शा करके प्रदर्शित करिएगा, और देखिएगा कि किस तरह का आपको संख्या रेखा पे ये प्रदर्शन प्राप्त होता है।